अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, तो क्या हाल चाल हो? वैसे अलहमदिल्ला मैं भी एकदम बड़े मतलब मज़े में हूँ। तो मेरा अजीज़ मैंने तेरे भाई आ गए एक न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो है ना चिकन मास्टर पे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो मैंने एकदम इजीली कैसे कंप्लीट किया तकरीबन 2 दिन में। वो भी मैंने इतना कुछ खास खेला भी नहीं था, ठीक है, बस कुछ कुछ मैच खेल कर कंप्लीट कर दिया। तो अब इस टाइटल की मैं बात कर रहा हूँ, एक लेजेंडरी टाइटल एक एक बंदे के पास होगा। तो चलो आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले एक लाइक ज़रूर ठोक देना, और अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मारो या टोक, कुल मिलाकर बस मतलब क्लिक हो जाना चाहिए यार। इतने बंदे देखते हैं और सब्सक्राइब दिल से बुरा लग रहा है, ठीक है। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम भी लाजमी से फॉलो कर देना, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट तेरा भाई उधर भी देता है। तो अब सबसे पहले हम जाते हैं दूसरे अकाउंट में, जो मेरा एक प्रेट का अकाउंट है। तो उधर जाते हैं, और उधर मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें एक बार दिखाता हूँ उससे पहले। तो अब हम आ गए दूसरे अकाउंट पर। तो अब इधर मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर तुम एक सीज़न में नहीं, 1000 सीज़न में भी इस चीज़ को तुम कंप्लीट कर सकते। पिछले भी नहीं, उससे भी पिछले सीज़न में मेरे प्रेन ने कुछ मैच खेले थे 16वें प्लेटिनम टायर के बाद, ये खुद ही कंप्लीट हो गए थे, उसको भी पता नहीं था, ठीक है। 3 कंप्लीट हैं, एक LMG वाला और एक ट्रूबल वाला और एक AR वाला, ठीक है। इस तीनों को तुमने कंप्लीट कैसे करना है, एकदम इजीली सब कैसा मैं बताता हूँ। कुल मिलाकर तुमने 10 चिकन निकालने, ठीक है, प्लेटिनम टायर के बाद, और वो भी 16 में, नहीं डुओ नहीं स्क्वाड, ओनली सोलो। वो भी प्लेटिनम टायर के बाद ये अकाउंट होगा, पहले नहीं होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं दिखाता हूँ LMG वाला, ये है, ठीक है। लास्ट वन एनिमी तुमने इससे मारना है, ठीक है, मशीन गन से, ये एकदम इजीली कंप्लीट हो जाता है। और AR इनमें से कोई भी हो चलेगा, ठीक है। इससे भी लास्ट वन एनिमी मारना है, ये दूसरा चिकन हो गया, ठीक है। ये जो कंप्लीट है मैं अभी वो दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद एक जो है ना ग्रेनेड वाला, ग्रेनेड हो या फिर मोली, मतलब ट्रूबल में से ये दो है। अगर तुम कराकी में वो मोबाइल यूज़ करोगे वो भी चलेगा। तो अब उसके बाद आती है इधर चौथे मैच में, मैंने इधर शॉटगन को यूज़ किया, ठीक है। और मेरे पास मेली भी पड़ी थी, मैं ट्राई कर रहा था अगर कोई टीमा पाला मिल गया तो मैं मेली को यूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर कोई बंदा पाइट ले रहा था तो उसके बाद मैं शॉटगन यूज़ करूँगा। तो अब ये वाला चिकन हमने शॉटगन से निकाला, ठीक है, चौथे नंबर पे। तो अब चलो देखते हैं सबसे पहले इसको कि ये हो चुका है कंप्लीट है पर नहीं। एक और चीज़ बताता हूँ, एक नहीं 2-3 चीज़ें साथ में रखो, पिस्टल भी रखो और मेली भी रखो और SMG भी, मतलब जो कंप्लीट नहीं, जो हार्ड वाला होता है ना वो सबसे पहले ही निकालो इनमें से, ठीक है। अतु ये रहा SG, ये जो है ना ये शॉटगन है, जो भी शॉटगन हो जो मैंने दिखाया था वो सब चलेंगे। तो उसके बाद आते ही इस पर SMG, इधर ये बंदा टीम अप कर रहा था, अरबी बंदा था, और अगर कोई अपना मिल जाए तो वो टीम अप करता है, कोई और बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। ये अरबी बंदा था, मैंने सोचा कि ये टीम अप करेगा मगर नहीं, इसने सब कुछ बदल दिया। तो उस वक्त मेरे पास SMG में से मतलब वेक्टर पड़ा था, ठीक है, जो मैंने दिखाया वो SMG में से वो सब चलेगा, ठीक है, जो भी हो चलेगा। तो ये वाला भी इस वक्त हो चुका था कंप्लीट, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इस एक SMG से भी मारा। 5वें नंबर पे ये वाला, ठीक है, SMG वाला भी हो चुका है कंप्लीट। तो उसके बाद आते हैं मेले में, ठीक है, मेले के लिए इधर एक बंदा मुझे मिल गया, पाकिस्तानी भाई था, तो इसके साथ मैंने कर दिया सबसे पहले टीम अप, ठीक है। तो अब टीम अप करने के बाद एक नई 1000 बंदे आते हैं, मतलब मैं जो रैंक पुश कर रहा था उस वक्त भी मुझे बंदे मिल रहे थे कि भाई सब प्री चिकन वाला टाइटल चाहिए या फिर कमांडो के लिए कर रहा हूँ या फिर चिकन मास्टर के लिए। मैंने अभी तक किसी से भी ये नहीं किया कि नहीं भाई मैं नहीं देता, हर एक बंदा देता है यार, टीम अप पे एकदम इजीली ये चीज़ हो सकता है। तो इस वक्त इस भाई के साथ मेरा मतलब बातचीत हो गया, तो उसी के साथ साथ इस भाई ने कहा था कि ठीक है भाई मुझे मर रहा है तो चलो मार। मैंने इस वक्त इस केस में मेरे पास पड़ा था, ठीक है, और मैंने इस वक्त मोली से मारा, मतलब क्या बोलते हैं मेली से, ठीक है। मेली वेपन वाला भी इस वक्त हो चुका है कंप्लीट, मतलब चेक कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो इनमें से एक और चीज़ बताता हूँ, आगे पीछे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो तुम्हारे लिए हार्ड है वो सबसे पहले कंप्लीट करो, उसके बाद जो आसान है AR वगैरह वो बाद में भी कर सकते हो। ये रहा मेली वेपन वाला भी इस वक्त हो चुका है कंप्लीट। तो उसके बाद आते हैं क्रॉसबो पे, अक्सर बंदों को क्रॉसबो मिले नहीं रहे, तो इसके लिए मैंने कराकिन में जो चीज़ ढूंढा है वो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। कराकिन तुमने स्टार्ट करना है सोलो में, तो उसके बाद ये देखो कार्गो शिप पे तुम्हें 100% मिलने वाली, क्योंकि एक बार नहीं बार बार मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। और इस चिकन मास्टर के लिए मैंने सिर्फ 2 बार ट्राई किया, एक ये बार और एक दूसरा, क्योंकि पहले में मुझे चिकन नहीं मिला, और दूसरी बार जैसे मैं इधर कारगोशी पे आया इधर मुझे फिर से मिल गई क्रॉसबो। तो उसके बाद एक बंदा मुझे मिल गया टीम अप के लिए, ठीक है,
तीन बंदे और यहाँ गए थे, एक में था मैं इधर, मतलब टाइम स्पेंड कर रहा था ताकि लास्ट वन मिल जाए, मगर उसके बाद एक अरबी बंदा मुझे मिल गया, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं, मतलब इसके साथ मेरा टीम अप हो गया, और इसी के साथ साथ अब ये बंदा हम कुछ कर दिलाएगा, वो कैसे। तो उसके बाद जैसे मैं इधर से निकलने, ये अपग्रेडेड पोल वाला था, ठीक है, जो पोल अपग्रेडेड गन होता है, एक ये बंदा था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको फिनिश करूँ, तो इस पर भी मैं डर रहा था अगर ये बंदा मेरे हाथ से निकल गया तो फिर मुश्किल, ठीक है। मगर नहीं भाई, सबसे पहले उसको बीज दिया, तो उसी के साथ साथ अब इसके साथ क्या करें। अरे भाई तू बिल्कुल मान ही नहीं रहा था। मैंने फिर बोला कि भाई साहब हमको चिकन चाहिए यार, अगर हम तुम्हारी हिफाजत कर रहे थे तो इसलिए कर रहे थे कि हमको चिकन चाहिए, और वो भी क्रॉसबो से। तो चलो भाई हेडशॉट में मारा ये वाला, मतलब उसने कहा था कि ठीक है चिकन ले लो, फिर उसके बाद मैंने चिकन किया, ठीक है, इसे मैंने नहीं किया। तो उसी के साथ साथ अब इसको देखते हैं कि क्रॉसबो वाला इस वक्त हो चुका है कम्प्लीट या फिर नहीं। ये देखो चेक कम्प्लीटेड है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, ये रहा क्रॉसबो वाला भी इस वक्त हो चुका है कम्प्लीट। तो उसके बाद फिर से आते हैं इरेंगल में, मतलब लिविक में, क्योंकि सब के सब मैंने लिविक में कम्प्लीट किए, एक जो है ना मैंने क्राकिन में लगा। ये भाई भी टीम अप कर रहा था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसके साथ टीम अप कर रहा हूँ। तो उसी के साथ साथ इस बार मैं बगी अपने साथ ले जा रहा था, वो इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर लास्ट में कोई बंदा मिल जाए ना तो उसी के साथ साथ अगर टीम अप हो गए तो एकदम ईजिली हो जाएगा, मगर इधर एक और भाई मिल गया। तो उसके बाद मैंने इसके साथ टीम अप किया, और इसने, मतलब दो तीन बंदे रह गए थे इस भाई ने मारे, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसने कहा था कि अगर तुम्हारे मिशन वगैरह है तो तुम मुझे किल कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि यही मौका है भाई के लिए, एकदम दिल से माजरत के साथ प्यार। तो मतलब इसने मुझे चिकन दिया, ठीक है, और इसी के साथ साथ ये वाला भी हो चुका है कम्प्लीट, इस वक्त मेरे साथ कम्प्लीट हो गए। और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वे एकल वाला भी इस वक्त हो चुका है कम्प्लीट, ठीक है। जो मैं दिखाता हूँ सब के सब तुमने वही करना है, लिविक में लगाना है, लिविक में एकदम ईजिली हो जाता है। और ये जो है ना 10 मैच तुमने के लिए है, जो मैं बताता हूँ और दिखाता हूँ वो चीज़ तुमने यूज़ करना है, कार में से कोई भी हो चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं एक मैच के अंदर, क्योंकि उस वक्त मैं वीडियो एडिटिंग में मसरूफ था, मैंने ऐसा ही गेम लगाया, सर्कल सर्कल पे जा रहा था, लास्ट वन बंदा मेरे हाथ लगाया, उस वक्त मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। उसका मैं डिटेल दिखाता हूँ, ये रहा, एक बंदा मैंने मारा था और वो भी स्केस से। उसके बाद जैसे ही मुझे चिकन मास्टर मिल गया, उसके बाद मैंने देखा कि भाई साहब ये चीज़ तुमने किया है, इन दोनों में से जो भी स्नाइपर हो चलेगा, हाँ मगर तुमने वो वाला मतलब यूज़ करना है जो स्केस वगैरह होती है, ठीक है। वैसे से स्केस हो गया, कोई और हो गया, कोई या फिर एमके पोर्शन होगी, ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना लास्ट वन बंदा एकदम ईजिली तुम फिनिश कर सकते हो। और अगर इधर इसका वीडियो होता तो मैं ज़रूर दिखाता, मगर एक किल पे पबजी वाली भी वीडियोज़ नहीं देती। तो अब लास्ट वन ही रह गया, लास्ट वन जो है ना मैंने पिस्टल से यूज़ किया, लास्ट वन जो है ना पिस्टल का है, ठीक है। पिस्टल इनमें से कोई भी हो, जो मैंने दिखाया इनमें से कोई भी पिस्टल हो वो चलेगा, ठीक है। तो अब लास्ट वन इनमें मैं इस बार फिनिश करता हूँ पिस्टल से। तो अब इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार किया, भाई हाथ नहीं लग रहा था यार, फाइनली इधर स्नेक आ रहा है, देख रहे। तो मैंने सोचा कि यही मौका है इसको भी फिनिश कर दे। तो फाइनली हमारे 10 चिकन हो गए, 10 चिकन हमने निकाले अलग अलग चीज़ों से, जो मैंने दिखाए और मैंने बताई सब के सब वही चीज़ें तुमने यूज़ कर रहे हैं। उसे के साथ साथ प्लेटिनम टायर के बाद सोलो, और वो भी प्लेटिनम टायर के बाद ये कौन होगे। अगर एक सीज़न में तुम नहीं कर सकते हो तो 10 सीज़न में भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फाइनली मैं इधर डायमंड तक भी यार पहुँच गया, तकरीबन कुल मिलाकर 2 दिन मुझे लगे। हाँ तो ये चीज़ मेरा अजीज़, हमारा चिकन मास्टर फाइनली हो चुका है कंप्लीट। एक एक बंदे के पास होगा, इतने बंदों के पास भी चिकन मास्टर नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और 50 अचीवमेंट का पॉइंट इधर से तुम्हें मिलते हैं, और एक लेजेंडरी टाइटल मिलता है, ठीक है, जो चिकन मास्टर का है। तो ये रही इसकी कहानी, क्रॉसबो की जगह भी मैंने बताई थी 100% उधर मिल सकता है, क्योंकि जब भी मैं गया हूँ उधर मुझे क्रॉसबो मिल चुकी है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि उधर तुम, अगर तुम्हारा क्रॉसबो वाला रह गया तो उधर भी तुम ट्राई कर सकते हो उस, और तो इनमें से कोई हार नहीं, अगर तुम्हें हार लग रहा है तो वो सबसे पहले ट्राई करो, वो जो आसान है, मतलब मशीन गन वाला, AR वाला, जो स्नाइपर वाला है, ठीक है, ऑटो स्नाइपर भी तुम यूज़ कर सकते हो, उसको बाद में करो, जो हार्ड है, ठीक है, वो पहले करो, जैसा कि पिस्टल हो गया, मिली हो गया, और क्रॉसबो वगैरह वगैरह। तो ये रही इसकी कहानी, कैसा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से, मतलब लाजमी शेयर कर देना, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के साथ साथ। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।